वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप समझ गए होंगे मैं जाने के लिए हो चुकी हूँ रेडी। ये देखिए आप लोग मेरी साड़ी, ये देखिए मैंने महावर भी लगा ली है। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। दोपहर का बज गया एक। ऐसे ना सुबह से ऐसे इतनी जल्दी 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 काम कर रही हूँ, फिर भी काम ही नहीं खत्म हो रहा है। ऐसे लग रहा है घड़ी ना कोई हाथ से घुमाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है। बस सारी पैकिंग हो चुकी है, बस हस्बैंड जी आना। देखिए मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाई, नेल पेंट तो यहीं लगती है, नहीं लगाई है। अब मैं आपको दूसरे हाथ की मेहंदी दिखाऊँ। ये देखिए यहाँ तक लगी हुई है। ये मेरी सिस्टर ने कल शाम को लगाई थी, उसने कहा दीदी लाओ मेहंदी लगा दे। मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो, वही कौन लेके आई थी तो उसी ने लगा दी। बस हस्बैंड जी आते हैं उसके बाद हम लोग निकलते हैं। आपसे मैं मिलूंगी रास्ते में, ठीक है? बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो बताइएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल आए हैं। हम लोग रास्ते में, अभी टाइम लगेगा पहुंचने में कानपुर से हम लोग को, लगभग 3 घंटे तो लग ही जाते हैं ना, 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। अभी हमें अपनी सिस्टर को लेना है और मेरा मायका इटावा में, आपको पता है मेरी मम्मी बुला रही है, कह रही 5 मिनट के लिए आ जाओ। तो देखते हैं, अगर हस्बैंड जी ले जाएंगे तो जाएंगे, नहीं अभी पता नहीं है क्योंकि लेट भी बहुत हो गया हम लोगों को। और मैंने आपको बताया नहीं है हम क्यों जा रहे हैं घर ना। हम लोग जा रहे हैं, मंगलवार को है शिवरात्रि, मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं कांवर भरने। आप लोगों ने जानते तो होंगे ना, कांवर भरने जा रहे हैं तो इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। क्योंकि ये एक बार भर आए थे शादी से पहले, तो बोलते हैं जोड़ा किया जाता है, तो अब दूसरी बार जा रहे हैं, अब आगे फिर देखते हैं। लेकिन इस बार अच्छे से जाए, अच्छे से आ रहे हैं। बस आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। ये देखिए ये मेरी गली है, बस यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, अभी पहुँच जाऊँगी अपने घर। ये मेरी सिस्टर बना रही थी वीडियो, वो आगे पहुँच गई है। मैं अपने घर में अंदर आ चुकी हूँ। ये खड़ी हुई मेरी मम्मी, ये देखिए अभी आप लोगों से थोड़ी देर में मिलवाऊँगी। इधर आ गया था मंकी, तो मैं वही बता रही थी, वो कुछ ले जा रहा था। हमने किया था तो यही हम देख अब तो मोबाइल में देखी मैं। ऑन एंड क्वांटिटी, ऑन एंड वैल्यू, वैल्यू। अरे बस करो ऐसे ऐसे, मिल लेता नहीं। अरे चुप हो, गलो पाए बूढ़ी वाली मम्मी, अपन छोड़ गए तुम। अरे छुप गए तुम, चलो तुम चलो, तुम बैठो, तुम छुप 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 तो फ्रेंड देख लिए, मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के पास। और ये मेरी मम्मी, मम्मी ने बनाई मेरे लिए कचौड़ी। जरा सी देर में उन्होंने कचौड़ी बना दी, फोन करके पूछा कहाँ आ गई, बस कचौड़ी बना दी। मैंने कहा मेरी बिटिया आ रही है, उसके लिए कुछ भी नाश्ता बना ले मैं। हम लोग बस 10-15 मिनट के लिए आए, इसी देर में बना दी। और ये दादी, ये हमारे पापा की बुआ जी है, इन्होंने हमें बुलाया था। ये हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, इन्होंने कहा आ जाओ, हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी देर के लिए बोले। चलिए हम लोग जल्दी से खाते कचौड़ी फिर चलते हैं, ठीक है? बाय करते हैं। बाय। अच्छा है, करो। हाँ तो एक ही है, तुम्हें तुम ही चलिए चप्पल तो पहन। ये मेरी बुआ लगती हैं, ये पड़ोस में ही रहती हैं, उन्होंने मुझको देख लिया तो आ गई, पैर छूने लगी तो बस ऐसी बात करने लगी, बोली कैसे आई हो। तो मैंने उनको बताया कि ये जा रहे हैं कांवर भरने के लिए, तो मम्मी ने बुलाया था तो इसलिए आ गए हैं, वही हमसे बात कर रही हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग घर आ चुके हैं।
और ये कर रही है इनकी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, ये कर रही है टीका। क्योंकि देखिए कोई भी कहीं पे भी जाता है ना अच्छे काम के लिए तो उसको टीका करके ही भेजा जाता है। मैं घर आई ना मैंने कोई सूट नहीं कर पाया क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी थी, इनका बैग अलग पैक किया, कपड़े वपड़े रखे, तो फिर बस इनको जल्दी जाना भी था ना, लेट हो रहा था बहुत, तो बस सारे हम लोगों ने कोई वीडियो भी नहीं बना पाया। फिर यहाँ पे बस हमने कहा चलो बना लेती हूँ, तो बस टीका कर रही है, इन्होंने दोनों लोगों को टीका किया, मीठा खिला रही है, वो खा नहीं रहा था, बोला था नहीं बहुत मीठा मैं नहीं खाऊँगा, हम लोग नहीं खा लो। ये है हमारे हस्बैंड के चाचा की बेटी, अब ये करेंगे दोनों लोगों को टीका, इसके बाद आता है मेरा नंबर, फिर मैं करूँगी। मैंने अपने भाई को टीका किया, अपने भतीदेव को भी टीका करूँगी। मैंने दोनों लोगों को पैसे दिए पैसे तो इन्होंने जो मुझे दिए थे ना मैंने वही पैसे इनको दे दिए थे, तो वही हंस रहे थे। फिर मैं इनके पैर भी छूँगी, यहाँ भी देखना आप लोग, हंसी भी आती ना क्योंकि हम लोग कभी पैर छूते, कभी कभी होता है ना पैर छूना था, ये देखिए। इसके बाद करेंगी मम्मी, मम्मी दोनों लोगों को टीका करेंगी, पैसे देंगी, फिर ये दोनों लोग ना मम्मी के मतलब सभी लोग पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद ना मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी इनसे, अभी देखना। उसके बाद हम लोग जाएंगे, एक गाँव में मंदिर है तो उसके दर्शन करने के बाद ही जाया जाता है। आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिए, हस्बैंड अच्छे से जाएं और अच्छे से आ जाएं। उसके बाद जाएंगे हम लोग मंदिर। बोले सामे ली वही तेज रहे मन मार के, बोले मोए घर से ले आए बाजा। सो फ्रेंड्स हम लोग आए हुए अपने खेत पे, ये देखिए आप लोग, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, घर पे कोई काम नहीं था तो मम्मी ने कहा चलो ये देखो ये और बैठी है, ये तो दिखेंगी नहीं, टॉर्च जला रही। चलिए तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, अब आपसे मिलूंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।